क्या आप जानते हैं कुतुब मीनार पे कितना खर्चा आया? क्या आपको पता है जब दिल्ली सल्तनत में कुतुबुद्दीन ऐबक पहला दिल्ली का सुल्तान बना तो कौन सा सिक्का बनाया? ये सब बताएंगे हम आपको अपने चैनल अनसुनी तारीख में। 1193 में तराइन के दूसरी जंग में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया और किला राय पिथौरा पे कब्जा हो गया। वो दिल्ली में अपना जानशीन कुतुबुद्दीन ऐबक को बना गया। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली में आया और दिल्ली में उसने एक नया सिक्का शुरू किया और 1199 में उसने एक मीनार की बुनियाद डाली जिसे कुतुब मीनार कहा जाता है। इस मीनार की बुनियाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली, 3 मंजिलें उसके दामाद अल्तमश ने डाली और बाकी 2 मंजिलें बाद के दिनों में फिरोज़शाह तुगलक ने बनाई। क्या आप जानते हैं इस कुतुब मीनार पे कितना खर्चा आया? वो हमें मीनार के कुतुबे से मिलता है। जी हाँ, दिल्ली का पहला सिक्का जो था उसका नाम था दिल्ली वाल और कुतुब मीनार पे खर्चा आया 5,40,00,000 दिल्ली वाल का। ये दिल्ली वाल पहला सिक्का था जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में शुरू किया। बाद में सिक्के बदलने लगे, इसको रिप्लेस करा जीतल ने और बाद में जीतल और टंका बन गया। तुगलक दौर तक आते आते ये और डेवलप हो गए। बाद में यगानी, तुगानी या सुल्तानी सबसे छोटा सिक्का शाइस्तगानी था, 1 तिनका 4 शाइस्तगानी के बराबर था। ये तुगलक दौर की बात है। आपको हमारी अनसुनी मालूमात कैसी लगी? पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। शुक्रिया।